अब आप अपने मोबाइल में ई ईपिक को डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं यही हम बात करने वाले हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, वहां पर इस साइट की लिंक मिल जाएगी। इसको ओपन कर लेंगे, यहां पर से नीचे स्लाइड करते जाएंगे। यहां पर सर्विसेज के नीचे ईपिक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहां क्लिक कर दे। अगर इस साइट पर नए है तो यहां पर साइनअप पर क्लिक कर दे। यहां पर से अपना कोई सा भी मोबाइल नंबर एंटर कर दे, ये वाला कैप्चा यहाँ पर एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दे और अपना ओटीपी और पासवर्ड एंटर करके अपना नया अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बन जाने के बाद वापस से लॉगिन पेज पर आएंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर पासवर्ड, ये कैप्चा यहाँ पर एंटर करके रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे। नंबर पर ओटीपी आएगा, यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई एंड लॉगिन करें। आपके पास ईपिक नंबर है तो आप ईपिक नंबर के जरिए भी कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर रेफरेंस नंबर है तो रेफरेंस नंबर पर क्लिक कर देंगे। हमारे पास ईपिक नंबर है तो यहाँ पर क्लिक रखेंगे, यहाँ पर ईपिक नंबर एंटर कर देंगे। यहाँ पर से जो भी स्टेट है सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ सर्च ईपिक या रेफरेंस नंबर के जरिए आपकी डिटेल फेच कर ली जाएगी, जो कि यहाँ पर आपको दिखा दी जाएगी। नीचे ओटीपी का ऑप्शन मिल जाएगा, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। ई ईपिक डाउनलोड करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके ईपिक के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक हो। अगर लिंक नहीं है तो आप डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। और अगर लिंक नहीं है तो कैसे लिंक करना है उसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर से आप देख लेंगे। ईपिक के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके लास्ट नंबर जो आते हैं वो यहाँ पर आपको बता दिए जाएंगे, जिसके ऊपर से आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा नंबर लिंक है। उस नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई कर दे। ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, डाउनलोड ईपिक कर दे, आपका ई ईपिक डाउनलोड हो जाएगा। वोटर आईडी कार्ड के रिलेटेड और भी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो कि आपको यूजफुल हो सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ मिलते रहे।